हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिव्यांशु क्लिक बी पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास नाइन्थ का ही नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो पढ़ रहे थे उसका आठवां लेक्चर या आठवां पार्ट लेकर आ गए हैं और ये होने वाला है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। हम आज नंबर सिस्टम का दी एंड कर देंगे, समापन कर देंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम कुछ नियम पढ़ेंगे किसके, एक्सपोनेंट पावर्स के या घातों के, कि भाई घातों में क्या होता है, पावर्स के कुछ रूल्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के सहायता से समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। तो मैंने लिया बच्चों 17^3.17^8, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसको मुझे सरलीकृत करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो 17 है ये क्या है, ये बेस है, ये आधार है, ठीक है। और ये जो 3 है ये क्या है, ये इसकी घात है, यानी कि इसकी पावर है। घातांक भी बोलते हैं कई जगह, एक ही बात है घात और घातांक, ठीक है। 17^3 या 17^3, ये चीज़ दोनों ही सेम है। बेस क्या है आपका 17 और पावर यानी घात क्या है 3। तो अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बेस जो है, आपका आधार जो है वो समान है, आधार चेंज नहीं हो रहा है, आधार सेम है, तो आपकी जो पावर्स हैं यानी आपकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो बेस सेम है, यहाँ पर बेस कितना है 17, यहाँ पर बेस कितना है 17, तो बस 17 लिख दो और पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, घातों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो 3 + 8, ये हो जाएगी बच्चा 17^11। तो जहाँ पर भी आपको आधार समान दिखे वहाँ घातों को जोड़ देना है, आपको जहाँ पर भी बेस इक्वल दिखे या बेस सेम दिखे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली मैं अगर बात करूँ कि भाई 11^3 और 11^4 अगर ये मल्टीप्लाई में है तो देख लो बेस सेम है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ पावर्स को ऐड करना है, तो ये हो गया 11^7। सिमिलरली 13^4 और 13^4 क्या हो जाएगा, 13^8। 13^7 और 13^7 हो जाएगा 13^14। बस जहाँ पर बेस सेम दिख गया वहाँ पर हमें पावर्स को ऐड करना है। तो ये तो बात हो गई पहली। तो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि भाई बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि पावर सेम हो तो क्या करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 7^3.9^3, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है, बेस तो डिफरेंट है, आधार असमान है, लेकिन जो आपकी पावर्स हैं, जो आपकी घातें हैं वो समान है, वो इक्वल है। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसमें पावर्स को बाहर कॉमन ले लीजिए, 7.9 और पावर्स को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों से 3 यानी दोनों से क्यूब की पावर कॉमन में ले ली। तो अब देखो 7^9 जो होता है 63, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 63^3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि भाई 5^5 है और 7^5 है, इसको कैसे करेंगे, तो देख लो पावर सेम है, जब पावर सेम दिख जाए ना तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है 35 और उसकी पावर आपको लगा देनी है 5। तो जहाँ पर बेस सेम होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ तो पावर्स ऐड हो जाएगी, जहाँ पर बेस सेम होगा, आधार समान होगा, वहाँ घातें जुड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधार असमान है लेकिन पावर समान है। जो आपका बेस है वो तो डिफरेंट है लेकिन आपकी पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस की जो डिजिट है, जो आधार की संख्याएं हैं वो आपस में गुणा हो जाएगी और पावर समान की समान पड़ी रहेगी। बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जितनी है उतनी ही पड़ी रहेगी। देखो बेस मल्टीप्लाई हो गया और पावर उतनी ही पड़ी है, बेस मल्टीप्लाई हो गए पावर उतनी ही पड़ी है। सिमिलरली मैं बात करूँ 7^5 और 7^5, तो इसमें क्या करोगे, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, क्या हो जाएगा 7^10 हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऐसा आ जाए ना कि 7^5 तो देखो बेस सेम है, तो बस 7^5 + 5 दैट इज 7^10। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि बात करो 3^5 और 7^5, तो कितना हो जाएगा, देखो पावर सेम है, घाते समान है, लेकिन जो आधार है, जो बेस है वो डिफरेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 और 21^5 कर दी 5, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो देख लो क्या कर रहे हैं हम, जब आधार समान हो रहा है तो क्या हो रही है, घातें जुड़ रही है, बेस सेम हो रहा है तो क्या हो रही है, पावर्स ऐड हो रही है, और जब पावर सेम हो रही है तो बेस मल्टीप्लाई होके पावर तो सेम की सेम ही पड़ी है। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम दो चीज़ों की और बात करेंगे और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे बेसिक, ये मैं आपको भी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, इसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी की 1.6 के कुछ क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस ही कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप नोट कीजिए। प्यारे बच्चों, जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट हम लेते हैं कि भाई अगर मैं बात करूँ 5^2^7 की, 5^2^7, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे सरलीकृत करेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, बस ब्रैकेट उड़ा देना है और पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 5^14, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए 5^2^7, तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट उड़ाते हुए चले जाओ, 2 × 2 × 7 दैट इज़ आपका 5^28,
अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ 7 की पावर 2 की पावर 7, तो अगर इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें कुछ नहीं करना, 7 लिख देना है और 2 × 7 यानी कि 14, 7 की पावर 14। जब ऐसा दे रखा हो ना, तो बस इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करना है। देखो इन तीनों के बीच मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करना है, तो बस सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई करना है। आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने एडिशन का देख लिया, हमने मल्टीप्लीकेशन देख लिया, अब हम थोड़ा डिवाइड का भी देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम फोर्थ पॉइंट से पहले एक और बात कर लेते हैं कि 23 की पावर सपोज 10 है, ठीक है, तो वो तो इतनी ही रहेगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ 1/23 की पावर 10, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, मैं 23 को ऊपर ले जा सकता हूँ, बस मुझे पावर जो है वो नेगेटिव करनी पड़ेगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल थिंग, बोथ आर सेम थिंग, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसको ऊपर ले जाओ, पावर माइनस में कर दो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/23 की पावर -10, ये भी सेम है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ऊपर नीचे कर दोगे ना। देखो ये ऊपर था, इसको मैं नीचे लेकर आया तो पावर क्या कर दी, माइनस कर दी। ये नीचे था, इसको मैं ऊपर लेकर गया तो मैंने क्या कर दी, पावर माइनस कर दी। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अपन चेंज कर देते हैं, ये ऊपर था मैं इसको नीचे ले आया तो क्या होगी, पावर माइनस। ये नीचे था मैं इसको ऊपर ले गया तो क्या होगी, पावर माइनस। तो पावर क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, साइन में बदलाव आ जा रहा है जैसे मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, 23 की पावर 10 / 23 की पावर 8। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो कि भाई ऊपर भी 23 है और नीचे भी 23 है। आप कहोगे सर 23 को मैं 10 टाइम लिख लूँगा, 23 को मैं 8 टाइम लिख लूँगा, तो सारे 23 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ 2 23 बच जाएंगे, तो 23 × 23 कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर दैट इज़ 529। ये आप आंसर निकाल दोगे, बहुत सही किया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन ये तो हो गया मेरा बेसिक नॉलेज। अब मैं थोड़ा सा पावर ऑफ एक्सपोनेंट से भी इसको देख लेता हूँ, घातों के रूप में भी इसको मैं देख लेता हूँ। तो देखो क्या है, यहाँ पर आधार समान है, तो मैं सबसे पहले तो उसको ऊपर ले जाता हूँ। तो देखो 23 की पावर 10, और मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 23 की पावर -8 से। कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, मैं इसको ऊपर लेके गया, और जैसे ही ऊपर लेके गया पावर क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ पर प्लस का 8 थी, ऊपर जाते ही माइनस का 8 हो जाएगी। अब देख लो मल्टीप्लाई में है और इनकी बेस सेम है, इनका आधार समान है, तो जब गुणा होगी तो क्या होगी, पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी कि 23 की पावर 10 - 8 यानी कि 23 की पावर 2, और 23 का स्क्वायर होता है 529। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कुछ नहीं किया मैं बस इसको ऊपर लेकर गया। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि नीचे प्लस थी तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो देखो अब आधार समान हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 23 की पावर 10 - 8 यानी कि 23 की पावर 2, दैट मीन्स 529 आपका आंसर हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल टू 23 का स्क्वायर याद करो, कम से कम 35 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, और 20 तक आप क्यूब याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको याद हैं तो बहुत ही शानदार मैथ्स है आपकी, कैलकुलेशन के पार्ट से, अर्थमेटिक के वाले पार्ट के अंदर, और आपकी जो 10th तक की बुक है उसके अंदर अर्थमेटिक का पार्ट ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आगे प्योर मैथमेटिक्स वगैरह भी आएगी, प्योर अप्लाइड आपको सब बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत, क्वेरी या डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, हमेशा ही दिया जाता है। खैर वो छोड़िए, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो गया है, आप इसे नोट कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि जो ये 64 की पावर 1/2 है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यार 64 की पावर में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको ऐसा ही लिख दूँ क्या कि 64 की पावर 1/2, क्या ये सही है क्या? हाँ वैसे चीज़ सही है, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है। ये सही है आपका, नो डाउट ये सही है, करेक्ट है, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है, मुझे सिंप्लीफिकेशन के साथ करना है, मुझे सरलीकृत करते हुए करना है, तो ये तो नहीं होने वाला है। अब मैं बात करूं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूं, 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस 64 की जगह क्या लिख दिया, 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया, या कह लो कि 64 की जगह 8 का स्क्वायर रख दिया। और जैसे ही 8 का स्क्वायर रखा, ये देखो 2 × 1/2 क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 की पावर कितना आ जाएगा, 1। और किसी का भी पावर 1 हमेशा वही होता है, आप किसी भी डिजिट किसी भी संख्या की पावर 1 कर देना, हमेशा वही संख्या मिलने वाली है। इसका मतलब मेरा आंसर होने वाला है 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या पार्ट नंबर सेकंड के ऊपर, वो क्या है 32 की पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 है तो मेरे दिमाग में चमक गया कि 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 = 32। तो बस मुझे 32 की जगह क्या रख देना है, 2 की पावर 5 रख देना है। 2 की पावर 5 रखा और इधर हो गया 1/5, जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, अगेन 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया इसका 2, इसका आंसर 8 और इसका आंसर 2। अगर मैं इसकी बात करूं, तो मुझे दिख रहा है किसका क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो मैंने कर दिया 5 का क्यूब,
कि पावर 1 बाई 3 वापस वही काम करना है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 इंटू 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, अनदर 5 आंसर आ जाएगा आपका, दोबारा से 5 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 क्या होती है, हमेशा वही नंबर होता है, 9 की पावर 3 बाई 2। अब 9 की पावर 3 बाई 2 है तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो बस मुझे 9 की जगह रख देना है 3 का स्क्वायर और बाहर हो जाएगा 3 बाई 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 बाई 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 3 का क्यूब यानी कि 27। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 27, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इनको इनके जो क्यूब्स थे या पावर्स थे उनके अंदर खोल के रख दिया मैंने, 64 को खोला 8 के स्क्वायर में, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 8 की पावर 1 यानी कि 8। सेकंड में बात करूँ तो मैं 32 को खोल दिया 2 की पावर 5 में, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब मैं बात करूँ इसकी तो मैंने 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, जब इनको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़ा सा इनका सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आ गया 5 की पावर 1 दैट इज 5, मतलब 5 आ गया। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैंने 9 को रख दिया 3 की पावर 2, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब हो गया 27। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन, इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी, आपको भी बस खोल के रखना है और थोड़ा सा सॉल्व करना है, छुट्टियों में क्वेश्चन होने लग जाएंगे, बस आपको थोड़े से स्क्वायर क्यूब्स और पावर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ही नॉलेज बढ़ेगी आपकी जो स्पीड है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं एनटीएससी के अंदर। पहले भी मैंने एक आपको एनटीएससी का क्वेश्चन कराया था याद हो तो, ठीक है, इधर लिखा था 2/√7, 7/√7 क्या होता है, 2/7 आया था ऐसा क्वेश्चन था पिछले वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन भी एनटीएससी में पूछे जाते हैं, एनटीएससी में बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आता है या आपका जो स्टेट बोर्ड बेस्ड पेपर ही आता है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस बात है डेडिकेशन की। पेपर ईजी आता है लेकिन कॉम्पिटिशन टफ होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके लिए ईजी होगी तो आपके पड़ोसी के लिए भी ईजी होगी, सबके लिए उसी तरीके से होगी ना। ईजी चीज़ को क्या होगा, ईजी चीज़ अगर होगी कोई तो उसमें क्या होंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, सबके लिए ईजी होगा ना, तो खैर वो अलग विषय है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क देते हैं, उनमें भी मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है प्यार बच्चों। तो देखो पांचवा पार्ट जो है वो 32 की पावर 2/5, और 32 को अभी किया था 2 की पावर 5, तो बस लिख दो 2 की पावर 5 और बाहर 2/5, जब ब्रैकेट खुलेगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चा 4, तो इसका आंसर आ गया 4। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, छठे प्रश्न पे, इस पे थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। मैं अगर बात करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और बाहर 2/4 पड़ा है, मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस मेरे पास वही आएगा 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया, वेल एंड गुड है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार एक सर आप बात बताओ कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 16 की पावर 2/4 है, तो मैंने पहले ही थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, मैंने इनको काट दिया आपस में, मैंने इसको लिख दिया 16 की पावर 1/2, कोई दिक्कत है क्या, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब देखो 16 की पावर 1/2 हो गई, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, और बाहर पड़ी है 1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4, तो देखो मेरे पास इससे भी आंसर 4 आया, इससे भी आंसर 4 आया, तो मतलब मैं कैसे भी करूँ मेरे पास फाइनल आंसर इक्वल ही आने वाला है। अगर आप इसमें भी ऐसा कर लेते ना, सपोज आपने इसमें भी ऐसा ही कर लिया, तो यहाँ आप कर देते कि भाई मैंने कर दिया, यहाँ पर भी हम 2 की पावर अब देखिए अगर मैं 16 को 4 की पावर 2 में ना भी तोड़ता, मैं इसको तोड़ देता सपोज 2 की पावर 4 के अंदर ही, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/2, तो ये हो जाता 2 की पावर 4 इंटू 1/2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो 2 की पावर 2 4 ही आता। आप कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है, इस कान को पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आपकी इच्छा है, आपको पकड़ना इसी कान को है तो आपका उत्तर सही आएगा, ठीक है। तो देख लो हमने 2-3 तरीकों से किया, आंसर वही आने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं होने वाली है चीज़। तो मुझे बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना क्या है, मुझे बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना यह है कि जो ये वाली पावर है ना, इस पावर को हटाने की कोशिश करनी है, इस वाली पावर को हटा देना है बिल्कुल से ही। देखो 2 की पावर 4 दिखा मैंने, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हट गया। यहाँ पर देखो 5 दिखा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हट गया। पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे, इन पावर्स को हम हटा रहे थे प्यारे बच्चों। ये जो अपॉन वाली पावर है ना, बट्टे वाली घात है ना, इसको हटाना है, इसको हटाते ही हमारा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं, अभी देखा था ये होता है 5 का क्यूब और बाहर है -1/3। अब देखो 3 और -1/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल, ये हो जाएगा 5 की पावर -1, या तो इतना ही छोड़ दो, और माइनस होता है तो क्या करते हैं, अपॉन में ले जाओ, वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप शुरू से ही ऐसे कर दो, माइनस है तो इसको अपॉन में ले जाओ, 1/125 की पावर 1/3,
फिर इसको 5 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लो, 3 से 3 काट दो, 5 की पावर 1 बचेगा तो 1/5 आ जाएगा। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, वो ऐसे घुमा के पकड़ो, एक ही बात है अभी बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है फाइंड वाला अच्छे से समझ में आया होगा। 1.6 तक के सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े से सरलीकरण के क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इस चैप्टर का दी एंड कर देते हैं। यार बहुत दिन हो गए, 8 बार पढ़ लिया, 8 दिन लगातार पढ़ते हुए हो गए यार, 8 लेक्चर बना दिए। तो खैर छोड़ो, इसको खत्म करते हैं आज। और फिर कल मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ माइंड मैप्स, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी का आपका दूसरा अध्याय बहुपद पर बात करने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई सरलीकरण का प्रश्न है ये। पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। देख लो आधार समान है, बेस इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 2/3 + 1/5। अब देख लो इसका एलसीएम क्या आने वाला है। एलसीएम आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 2 की पावर 15, तो आपका आ गया एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की या सेकंड क्वेश्चन की, जो इसी का है। उसमें देखो क्या है, 1/3/3 की पावर 7। तो अब देख लो, ये पावर अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7। अब देखो 1 की पावर कितनी भी कर लो आप, 1 की पावर 7, 9, 10, 11, 12, इनफाइनाइट कितनी भी कर लो, वो आना हमेशा 1 ही है, तो ये तो रह जाएगा 1 का 1 ही। और जो ये 3 है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/3/21, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको इसकी पावर बनाओ, इसको इसकी पावर बनाओ, सॉल्व करो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, तो देख लो 3 × 7 = 21 हो गया और 1 का 1 पड़ा है। ये हो गया मेरे पास सेकंड का आंसर। थर्ड की बात करूं तो देख लो, इस 11 को पहले तो मैं ऊपर ले जाता हूं क्योंकि ऊपर भी 11 ही है, तो 11 की पावर 1/2, और ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, अपॉन है ना, ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देख लो वापस से बेस सेम बन गया, आधार समान बन गया, तो वापस से क्या होगा, यहाँ पर दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, 11 की पावर 1/2 - 1/4, ऐड ही करना है बस, यहाँ पर पावर माइनस की है इसलिए माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब देख लो 1/2 में से 1/4 चला गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचने वाला है 1/4 ही, तो ये हो गया 11 की पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा है, 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। देख लो यहाँ पर पावर सेम है और बेस डिफरेंस है, आपके जो घाते हैं वो समान है लेकिन आधार क्या है, अलग है। तो आप क्या करोगे, आधार को गुणा कर दो, पावर को वैसा का वैसा ही लिख दो, यानी कि 7 8 56, 7 8 56 और उसकी पावर 1/2। यहाँ पर ये हो गया आपका चैप्टर का दी एंड, यानी कि समाप्त हो गया है आपका चैप्टर नंबर 1 NCERT के अकॉर्डिंग। आपकी जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है उसको हमने 8 लेक्चर्स के अंदर, 8 वीडियोस के अंदर दी एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी मदद चाहिए किसी भी तरह की मुझसे या क्लिकबी की किसी भी टीम के मेंबर से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करें, बात करें, आप हमें जो अपनी बात है वो साइट पर भी बता सकते हैं, वेबसाइट पर बताएं, आप अगर एप्लीकेशन पे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप इसको नोट करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि आप खुद वो स्किलफुल बनाएं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ कहीं भी सकते हैं लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई भी दिक्कत लगे आपको पूछना है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी शंका के। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे यही नहीं आता या और कुछ नहीं आता है, आपको अच्छे से सीखना है भाई। नहीं आता तभी तो पढ़ रहे हैं, अगर सब कुछ आता होता तो हम क्यों पढ़ते, है ना, नहीं तो हम नहीं पढ़ते ना, अगर सब कुछ आ रहा है तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको नहीं आता है, आप सीख रहे हैं, आप छोटे हैं, इसीलिए आपके लिए सिखाया जा रहा है। आप आराम से अपने डाउट पूछिए, कोई भी आपको किसी से भी इंसल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी सोचता नहीं है इस बारे में, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब चीज़ें समझ में आई होगी। अब क्या करना है, आप 8 के 8 वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए, और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं माइंड मैप। अब बात करते हैं कि ये माइंड मैप क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए मैंने 8 वीडियोस के अंदर आपको ये पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है, और आपने 8 वीडियो को अच्छे से पढ़ा भी है। तो आपने देखा होगा कि यार 20 to 25 या 30 पेजेस भर गए या 40 पेजेस भर गए, ठीक है, जिसकी जैसी कॉपी है, जैसा वो लिखता है, जैसा सॉल्व करता है, जैसे वो थ्योरी लिखता है, उस हिसाब से उसके मान लो 30 से 40 पेज भर गए। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटा वीडियो लेके आऊँगा 30 to 40 मिनट का ही, उसके अंदर मैं सारे वीडियोस को क्लब कर दूंगा, मतलब 8 के 8 वीडियोस में मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है ना उसको मैं समराइज कर दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, एक एक बात, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आ जाएगा और 1 से 2 एग्जांपल आ जाएंगे हर टॉपिक के, हर आपको जो चीज़ समझाई है उस चीज़ के। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो 40 पेजेस का चैप्टर है वो क्या होगा, वो आपका 3 to 4 5 पेज के अंदर ही सिमट जाएगा। और जब आपको रिवाइज करना होगा तो आप क्या करेंगे, माइंड मैप वाला वीडियो देखेंगे या वो नोट्स पढ़ लेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो आप जो पुराने वीडियो उनको 2.2
2 की स्पीड में करके देखिए 2.0 के अंदर, और जो फिर माइंड मैप वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, तो आपका 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज हो जाएगा बिना कॉपी पेन उठाएं, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, सब कुछ बताया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है एनसीईआरटी के पार्ट चैप्टर 1 के अंदर। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बराबर मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी पूरी खत्म कर चुके हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। खैर बहुत बात हो गई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।